गाना स्टार्ट होता है छोड़ो। हाँ जरा वैसे वो टेम्पो बनाना पड़ता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, जीरा हमेशा बची रहती है। आज फंसो, मैं तुम लोग अपने शो से बुलाओ तो मैं जरूर तुम लोग को इंटरव्यू दूंगी। आज तुम लोग मेरे शो पे हो, मैं जो कहूंगी वो करना है। पता किसका इंटरव्यू लेंगे क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है सुनो, सब भाग जाएंगे। सुबह जो है वो आप लोग टीवी खोल के, काम वाम कोई नहीं है आप लोगों को, उठो यार कोई जरा ब्रेकफास्ट अच्छा सा बना के। चलो खैर मेरी तो ड्यूटी है, मुझे तो पैसे मिल रहे, मैं आके यहाँ बैठ गया, लेकिन आप लोग भी इतने प्यार से मुझे देख रहे हैं तो बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ बहुत प्यारी सी होस्ट हैं और सुबह इनको अक्सर आप देखते रहते हैं, उनको जब सुबह आप देखते हैं तो आपकी जो सारा दिन है वो बड़ा अच्छा, कहते हैं अच्छी शक्ल देखने से सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है यकीनन। तो भाई मैंने इतनी तारीफ की बात मैंने कर रहे हैं, आपकी इतनी तारीफ की, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तारीफ किसको बुरी लगती है? माशाल्लाह ड्रेसिंग आपकी बहुत आला, मतलब कि मुनाफ भाई ने आपको स्पॉन्सर किया? नहीं जी मुनाफ भाई ने नहीं किया, मैंने खुद ही मेरे ही जोड़ा है। खुद भी डिजाइनर है? आपने खुद डिजाइन किया? हाँ। तो फिर तो बल बात हो सकती है, होस्ट भी और डिजाइनर। थैंक यू, ये देख रहे हैं आप, ये पहला फायदा, पहले फायदा आपने कर दिया। अच्छा आप नाजिया का इंटरव्यू ले रहे थे? मैं नाजिया से कर लूंगा, वो तो है, ये तो मैं ही फंस गई हूं। अच्छा आपको शौक था ना बड़ा? तो जिया का इंटरव्यू होगा। जिया जी ये बताइए मुझे कि मतलब कहां से इंस्पिरेशन है आपको डिजाइनिंग की? मुझे कहाँ से इंस्पिरेशन है? वो कहते ना कि वो बचपन से ही एक जरासीम जो होते हैं वो कूट कूट के भरे हुए होते हैं, तो वो मुझे बचपन से थी। लेकिन मुझे सदन कार से मेरा बहुत ज्यादा रहा, नहीं टीके नहीं लगवाए ना, मैंने टीके ही तो नहीं लगवाए, जब भी तो ये हाल है। पोलियो की लगा लेती कम से कम, लेकिन बगैर टीकों के भी फिट होते, नो डाउट। अगर सदन टीके लग जाते तो फिर क्या होता? छत पे होती तो इतनी एनर्जी होती, मेरा मतलब मुझे डेंगू काट के गया, खुद इलाज कराने निकल गया। पहली बार पूरे प्रोग्राम में सही बोली है, डेंगू नहीं काटा, नहीं काटा, माफ करे, अच्छी बातें करो। नहीं मुझे लग रहा है कि कभी कभी कुछ कभी कोई ऐसी चीज नहीं हुई, ऐसा अल्लाह अल्लाह ने नाजिया तुम अपने कपड़ों को देख देख के खुश हुए चले जाए। नाजिया चाह रही है कि नाजिया से भी पूछो ना, नाजिया तुमने किसका जोड़ा पहना हुआ? ये भाई हां आज अपना नहीं पहना, लेकिन ये कि मेरा नाजिया भी डिजाइनर है, सब दूसरों के पहन जाते हैं। ये नहीं नहीं इंसान को कपड़े अपने पहनने चाहिए। नाजिया डिजाइनर नहीं, ये आदि का है जो कुछ और पे जो जमजमा। आदि किस चीज का? आदि आदि जो है वो कपड़े कैसे, मतलब आप ऐसे ख्यालों में बंदे की पर्सनालिटी देख के मेरा जहाँ तक ख्याल है उस तरीके से, और आप जो है वो बस टंगे होते हैं वो एंगलों में, तो वो उसका कोई होता है? एक्चुअली देखिए अजीब सा सवाल कर दिया, हम तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस देते हैं डिजाइन के। अब आपको जो पसंद आता है वो आप उनमें से खरीदते हैं। मैं प्रेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप कुट्योर करना चाहते हैं तो देन लाइक यू नो आपकी पर्सनालिटी पे कपड़े बन सकते हैं। इट डिपेंड्स, कुट्योर इज बिट एक्सपेंसिव एंड प्रेज थोड़ा सस्ता होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट कि आप क्या पसंद करते हैं। और जब व्हेनेवर वी गिव अ कलेक्शन इट्स फॉर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, इट्स नॉट फॉर वन पर्सन। ब्लॉक प्रिंट्स होते हैं, शिफॉन के पीसेस होते हैं, सिल्क के पीसेस होते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड पीसेस होते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है, आपको क्या अच्छा लगता है और आपकी पॉकेट क्या इजाजत देती है। खदड़ होता है, खदड़ 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 मैं जानता हूं कि मुंह पे टेप लगा या जिप लगा, सर आपका जिप होगी एक्स्ट्रा, इनके मुंह पे लगा दें। मेरे पास तो नहीं है जिप। अच्छा जी कहते तो मैं ले आता, इनको देख के मुझे पता नहीं थे यहाँ पे। लेकिन फैक्ट है कि ये बजट भी देखना जरूरी है, बजट भी देखना आजकल के दौर में, बजट देख कर ही करना चाहिए। तो भाई हमारी बड़ी प्यारी सी एक डिजाइनर है, उनका नाम है नादिया मिस्त्री। बहुत अच्छा, जितनी शलवारें कमीजें थी वो उनके ब्रांड की थी, बड़ी अच्छी थी। अच्छा हाँ, अमीना यास्मीन एक ब्रांड है जो मंसूर होता है। ये मजे होते हैं थोड़े से, तो ये भी मजे तो खैर होते हैं। हाँ यार लाइक कपड़े कपड़े आराम से आपको मिल रहे होते हैं इजीली, तो ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। और डिजाइनर्स का भी दिल बहुत बड़ा होता है, अपने सारे डिजाइनर्स की प्रमोशन कितनी अच्छी हो जाती है। हाँ ये भी देखिए, मैं नॉर्मली अपने पहनती हूँ, ज्यादातर मैं अपने पहन रही होती हूँ, बहुत बहुत कम होता है कि मैं किसी और के कपड़े पहनती हूँ। क्योंकि वो एक होता है ना, वो नाजिया के साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी कि जब हम खुद डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें ये होता है कि हमारे ऊपर जो चीज सूट करेगी, हमें अपना स्टाइल स्टेटमेंट पता होता है। मैं काफी डिजाइनर्स पहनती हूं डिफरेंट डिफरेंट, वो इसलिए कि मैं अपने आप को इतना प्रमोट कर चुकी हूं, मैं कहती हूं नहीं यार बाकी सभी प्रमोट, और मेरा दिल करता है मैं दूसरे डिफरेंट
चीजें पहनना शुरू की, नहीं नहीं खैर मैं भी जब मुझे अच्छा लग रहा होता है और जब डिजाइनर्स आ रहे होते हैं तो जरूर पहनती हूँ. ठीक है, अच्छा टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है आज, लाइक आप लोग लेट भी तो हुए, कोई बात नहीं, कहते कम वक्त है और सही से और अच्छे से क्वालिटी टाइम, लेकिन मुनाफ थोड़ी सी नहीं क्योंकि गाड़ी का मसला हो गया था बिल्कुल, लेकिन फिर भी I don't know. बहुत सारी चीजें थी, लेकिन थैंक यू सो मच मुनाफ कि आप आए और मुझे वाकई अच्छा लगा कि सबीन की कोई तबीयत सही नहीं थी लेकिन सबीन फिर भी आई. थैंक यू सबीन, तुमसे बहुत कम बातें हो सकी, इंशाल्लाह आगे करेंगे. हाँ हाँ बिल्कुल कल आ जाओ. ठीक है, अच्छा अयाज कोई अच्छा सा मैसेज ईद के हवाले से? बस मैं तो ये कहता हूँ देखें अभी जो रमजान गुजरा था उसमें जो रमजान का जो लेसन है जो सबक है वो यही है, सबर टॉलरेंस इस तरह की बात है. कल भी एक अजीब सा वाक्य मैंने सुना और मुझे बड़ा वो अफसोस हुआ कि यार एक मोहल्ले, आपने भी यकीनन सुना होगा कि वो लोगों ने भाई मोहल्ले वालों ने पकड़ के एक बंदे को तो मार ही दिया और इससे सोसाइटी का आपको ये पता लगता है कि क्या टॉलरेंस है और क्या उनके अंदर सबर ही नहीं. और जबकि अभी रमजान गुजरा है जिसमें आपको ये सब जो भी चीज थी अच्छी बुरी वो आप एक अदालत एक जगह बनी है वो डिसाइड करेंगे, हमें और आपको तो कोई नहीं करना चाहिए. रमजानों में हमने यही देखा कि जो चीज सीख रहे होते हैं ना उसी चीज का मुजाहरा नहीं कर रहे होते हैं, हम उससे अलग कर जाते हैं ना बिल्कुल. हम लोग इसीलिए दूसरे फायदा उठाते हैं ना, टाइम नहीं जल्दी से आपको मैसेज देना चाह रहे हो तो जल्दी से बस आप पाकिस्तान के लिए जो अच्छा अच्छा हो सकता है प्लीज कीजिए. कोई गलत कदम उठाने से पहले इतना जरूर सोच लीजिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है. अल्लाह मियां ने सबको अकल दी है, प्लीज इस्तेमाल कीजिए और इस मुल्क के लिए जितनी जाने गई है ना उनको रायगा मत जाने दीजिए. बहुत अच्छा नाजिया, तुम्हारा कोई अच्छा सा मैसेज? मेरा यही मैसेज है कि एक दूसरे से मोहब्बत प्यार करें और हमने जो कुछ रमजान में सीखा है उसको आप अच्छे तरीके से उसको अमलन अपनी जिंदगी में लेकर आए, वरना आप अच्छे मुसलमान नहीं है. मुसलमान सिर्फ अपना टैग लगा लेना पूरी कम्प्लीट बात नहीं है. अच्छा मुसलमान होना ही हमारी निशानी है कि हम बेहतर पाकिस्तानी है, हम बेहतर मुस्लिम है. ठीक है बिल्कुल, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. टाइम बिल्कुल भी नहीं है इसलिए मेरा मेरी तरफ से भी सारे मैसेजेस इन लोगों ने दे दिए, लेकिन बस मैं इतना सा मैसेज देके जाऊंगी कि प्लीज खुश रहें और खुशियां बिखेरते रहें. खुश रहना बहुत जरूरी है और अपने साथ पॉजिटिविटी को अपने साथ रखें, नेगेटिविटी की तरफ कम जाएं क्योंकि हमारे इतनी नेगेटिविटी है कि हमने अब हम जब खुद से पॉजिटिव फील करेंगे, हम जब खुद पॉजिटिव रहेंगे तो आप देखिएगा कि हर चीज़ आपको पॉजिटिव नजर आएगी. अगर वो नेगेटिव भी होगी तो आप उसको पॉजिटिव फील कर रहे होंगे. थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप लोग मेरे शो पे आए, ना तुम्हारे अच्छे से गाने पे वाइंड अप करेंगे. थैंक यू, थोड़ा सैड हो गया. इतने सीरियस मैसेजेस गए. लीजिए बच्चन
सुधी है मुझ पे फिदा, बचना है।